अच्छा शेर जो है ना वो दांत को खींच लेता है, मांगने की जरूरत नहीं है। कोई ये कहे अरे सुनिए, ध्यान दीजिए, तालियां बजाइए, अच्छी पोएट्री का जो बदल है वो खामोशी है, तालियां नहीं। अच्छा शेर सुन के आप खामोश हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप चीख चीख के दांत दें। अच्छा लगा यहाँ आकर के, इस सारी कायनात, इस सारे एपिसोड और आप तमाम दोस्तों से मेरी मुलाकात। दो गुनाहगार बैठे हैं सामने, गुंजन और अविनाश। मैं सबसे पहले आर्ट शाला में आया था और तब मुझे आप तमाम दोस्तों से मिलने का शर्फ हासिल हुआ था, तो सिलसिला चल पड़ा। और माशाल्लाह मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि आज मैंने फैसल के, इब्राहिम के, जितेंद्र सोनी के, सागर के, तो शेर शहबाज के, खास करके दिव्या के भी, मेरे को उम्मीद नहीं थी तुमने इतना अच्छा पढ़ा। सही बता रहा हूँ, मतलब मैं वाकई ये अपेक्षा नहीं कर रहा था, लेकिन ये लड़की मेरी उम्मीद पे खरा। हाँ हाँ बहुत अच्छा पढ़ा। मैं सलाम करता हूँ, मेरी तरफ से सबको सलाम, जोरदार ताली भाई सलाम के लिए। कुछ बातें जो शेयर करना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातें जो मैंने नोटिस की, कितनी याद रह गई कितनी नहीं रही मुझे, जो नोटिस की है वो शेयर कर लेता हूँ आपसे। कुछ नए बच्चों ने जाहिर है कि अपने कंटेंट को अपने अल्फाज में ठीक ठीक पिरोने की कोशिश की, और मैं अक्सर कहा करता हूँ इस बात को कि जो हिंदी का शब्द है ना छांदस कविता, जिसको हम कहते हैं मीटर बहर वाली पोइट्री और ये फ्री वर्स वाली पोइट्री, इसमें एक बुनियादी अंतर क्या है? बुनियादी फ़र्क ये है कि अगर कंटेंट बहुत पावरफुल है तो ये जो फ्री वर्स की अतुकान कविता जिसको हम कहते हैं, नई कविता जिसको हम कहते हैं, ये जो है ना ये सोने का बिस्किट है। लेकिन सोने के बिस्किट को हम पहन तो नहीं सकते यार, उसका आभूषण जब बनाएंगे, जेवर जब बनाएंगे, तो उसका एक फॉर्मेशन होगा, उसकी कुछ तरतीब होगी। तो बराए मेहरबानी फ्री वर्ड्स की कविताएं भी वो लोग लिखें जिनको छंद आता हो। सीखो, छंद को सीखो, मीटर को समझो, बहर को समझो। क्योंकि मेरा तो ये मानना रहा है भाई, इस बात पे मेरी बहुत बहसें होती हैं, बहुत लड़ाइयाँ भी लोगों से हो जाती हैं। मैं तो उन लोगों में से हूँ जो ये मानते हैं कि अतुकांत कविता भी उस आदमी को लिखनी चाहिए जिसको छंद आता हो। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ हम जानते नहीं बनाना तो उसे तोड़ने का अधिकार भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। अगर छंद हमको आता है तो फिर हमारी चॉइस है कि हम अपने आप को छांदस कविता में प्रेजेंट करें या कि नई कविता में। तो एक बात तो ये, और एक तो बुनियादी बात ये कि तीन लफ्ज़ होते हैं, एक है आप, एक है तुम, एक है तू। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, लेकिन इन तीनों में घालमेल नहीं होना चाहिए। हम अगर कहीं एक मिश्र में तुम इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगली बार दूसरे मिश्र में तू नहीं आना चाहिए। गॉट इट? तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। बाकी बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा पढ़ा, दोबारा से मेरी बधाई, मेरा सलाम। चले गए म्यूज़िक वाले लोग भी, शायरी वारी तो फिर कभी सुनाएंगे, लेकिन वो जो गाना था ना एक प्यार का नगमा है, ये संतोष आनंद का लिखा हुआ गाना है और बहुत मशहूर गाना है, मिलेनियम सॉन्ग, इसको सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम भी कहा गया है इसको। उसका एक अंतरा आपको सुनाता हूँ जो कि फिल्म में नहीं है, जो आमतौर पे सुनने को नहीं मिलता है, वो सुनिए। जो बीत गया है वो फिर दौर न आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा। दिल फूंक दिया हमने,
अब लाश उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। यहाँ एक गंभीर टिप्पणी कर दूं दोस्तों, हिंदी और उर्दू दोनों को के दोनों भाषाओं के जो आलोचक और समीक्षक रहे लिटरेचर के, उन्होंने दो पोइट्रीज जो हैं हमारी बड़ी अहम पोइट्रीज, उनको खारिज कर दिया, उस पर निगाह नहीं रखी। एक वो कविता जो मंच की कविता है, एक वो कविता जो फिल्म की कविता है। मंच और फिल्म की अच्छी शायरी को हमारे क्रिटिक्स ने केवल ये कह के खारिज कर दिया कि ये तो पॉपुलर पोइट्री है। अब आप ये देखिए कि साहिर ने, शैलेंद्र ने, मैं इन दोनों को बॉलीवुड का सबसे बेहतर नाम मानता हूँ, उर्दू में साहिर और हिंदी में शैलेंद्र। इनसे अच्छे गाने शायद दूसरे, सबने अच्छे लिखे, लेकिन अपना अपना रेटिंग होता है, अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी समझ होती है। तो हमारे क्रिटिक्स ने एक बड़ा नुकसान हमारा ये किया कि हिंदी और उर्दू कविता का जो मंच था, उस मंच से होने वाली जो अच्छी शायरी थी, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि ये कह के खारिज कर दिया उसे कि ये तो मंच की पोइट्री है। फिल्मी गानों को ये कह के खारिज कर दिया, अरे ये तो फिल्मी गाना है। जबकि जो 50s के, 60s के, बाद के इरा के भी कुछ बेहतरीन नगमे, वो क्यों पीस ऑफ लिटरेचर नहीं है, मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आता। ये गाना एक प्यार का नगमा है, क्या ये कोई साहित्यिक रचना नहीं है, इसमें कविता नहीं है? आलोचक को नहीं चाहिए था कि इसका संज्ञान लेता। ढेरों गाने बता सकता हूँ मैं आपको, साहिर लुधियानवी जैसा बड़ा उर्दू का पोएट जब भारतीय दर्शन को लिखने पे आता है, तो वो कहता है, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। ये साहिर का लिखा हुआ गाना है। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। शबाद, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, अपमान रचयिता का होगा रचना को अगर ठुकराओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। ये फिल्मी गाना, ये पीस ऑफ लिटरेचर क्यों नहीं है जी? कोई आलोचक से पूछे जाकर के कि तुमने क्या झक मारी है, इसका तुमने संज्ञान नहीं लिया, इसको तुम ये कह के खारिज कर दो कि फिल्मी गाना है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, ये पोइट्री नहीं है। देखो, एक मिसरे में दोनों लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है वो, किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। कोई करे परस्तिश इबादत एक साथ इस्तेमाल, क्या ये पोइट्री नहीं है? क्या ये लिटरेचर नहीं है? तो एक तो बात ये कि हमारे क्रिटिक्स ने फ़ायदा कितना किया है मुझे पता नहीं, नुकसान बहुत किया। और उस नुकसान का असर ये हुआ कि हमारी मंच की और फिल्म की जो पोइट्री थी, उसको सेकंड रेट की पोइट्री मान लिया गया। और जब सेकंड रेट की पोइट्री मान लिया गया, तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नई जनरेशन के लोग उस तरफ जाने से झिझकने लगे। लेकिन उर्दू के मंचों का हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इस पूरे बर्रसग़ीर में, इस पूरे एशियन सब कॉन्टिनेंट में ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मुझे ये कहने की भी अनुमति दीजिए, मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ इस बात को, कि हिंदी की वाचिक परंपरा का मंच लगभग नष्ट हो चुका है। कविता अगर थोड़ी बहुत बची है, शायरी अगर थोड़ी बहुत बची है, मंच की शायरी, तो वो केवल उर्दू के मुशायरों में बची। हिंदी कवि सम्मेलन अब हास्य और व्यंग्य का कवि सम्मेलन हो चुका है। उसका कारण है, हमने जब शुरुआत की थी अपनी, हम जब मंचों पर जाना शुरू हुए थे, तो यकीन मानना पैर कांपते थे। माइक पे खड़े होते तो पैर धूझते थे बोलने की, क्योंकि इतने बड़े लोग बैठे होते थे मंच पे कि उनकी तरफ देख के रूह कांपती थी। कोने में बैठते थे बड़े संकोच के साथ जाकर के, और देखते थे कोई सीनियर दाद दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर किसी मिसरे पे किसी सीनियर ने वाह कर दी, तब कुछ मुंह खुलता था। आजकल मैं देखता हूँ कल का लौंडा आकर के यहाँ बैठता है और इस तरीके से दाद देता है जैसे वही मुस्तनद है और उसका फरमाया हुआ मुस्तनद है। हमें इनकी सारी भी सीखनी चाहिए, पोलाइटनेस भी हमारे पास होनी चाहिए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जिस तरीके से इब्राहिम ने भी बीकानेर में पढ़ा, मुझे इमरान ने वो वीडियोस भेजे, मैं बीकानेर नहीं गया था,
उस पर वीडियोस मुझे भेजे गए। ये बिनाई की और शक्ल वाला जो शेर इसने पढ़ा, मैंने गौर से देखा, शीन काब निज़ाम की सदारत थी और उन्होंने दाद दी थी शेर। अच्छा शेर जो है ना वो दाद को खींच लेता है, मांगने की ज़रूरत नहीं है। कोई ये कहे अरे सुनिए, ध्यान दीजिए, तालियां बजाइए, अच्छी पोएट्री का जो बदल है वो खामोशी है, तालियां नहीं। अच्छा शेर सुन के आप खामोश हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप चीख चीख के दाद दें। अच्छी पोएट्री का ये असर होता है, और अच्छी पोएट्री एक नशा है, तारी हो जाता है आप पे, घूमता रहता है सिर्फ बहुत देर तक उस अच्छी शेर को लेकर के। और एक अच्छे शेर की ये भी ख़ास बात होती है कि उसे याद रखने की कोशिश नहीं कर पड़ती, वो याद रह जाता है। तो जो कुछ भी हिंदी और उर्दू के मंचों का हाल है वो मैंने आपसे साझा किया। आप लोगों में से जो भी लोग मंच को अपना लक्ष्य बनाना चाहते हैं, जिनका गोल ये है कि वो मंच पे जाएं, एक बड़े शायर के रूप में अपनी शक्ल इख्तियार करें, अच्छा पढ़ें, तो केवल एक बात कहना है उन सब के लिए कि कुछ भी हो जाए दोस्तों, अपनी पोइट्री की गरिमा और पोइट्री की मर्यादा से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। दाद मिले बहुत अच्छा, न मिले कोई बात नहीं, अपने अच्छे शेर पढ़ना, उसे ईमानदारी से पढ़ना। क्या होता है कई बार ऑडियंस का मूड का, ऑडियंस की समझ का, उसका बहुत असर पड़ता है। 10,000 लोग आपके सामने मुशायरे में बैठे हैं तो वो जो एक समझदार बैठा है खाली उसका ध्यान रखना, वो 9,999 का नहीं। भीड़ तो भीड़ है, भीड़ की अपनी कोई पसंद नहीं होती। कोई ताली बजा रहा है तो पड़ोस में केवल इसलिए ताली बज जाती है कि ये ताली बजा रहा है, नहीं बजाएगा तो बेवकूफ़ समझा जाएगा, लोग कहेंगे इसके समझ में नहीं आया, वो वाली बात। अच्छे लतीफ़े के साथ भी होता है ये, अच्छा जोक भले ही समझ ना आया हो लेकिन अगर इब्राहिम अगर हंस रहा है तो मैं भी हंसूंगा यार, ये कोई बड़ी बात थी। हाँ लोग समझेंगे यार ये गधा है, इसको पता ही नहीं है कुछ भी इसका। मुझे एक लतीफ़ा जो है, बल्कि दो लतीफ़े सुनाता हूँ आपको। एक आदमी ने एक दूसरे आदमी पे मुकदमा कर दिया कोर्ट में ये कह कर के कि साहब इसने मुझे गेंडा कहा। तो जज ने पूछा भाई इसने तुम्हें गेंडा कब कहा था? उनने कही जी 8 साल पहले कहा था। बोले मियाँ तुम अब मुकदमा करने आए हो? बोले साहब मैंने गेंडा देखा ही कर ले। ऐसा भी हो जाता है कई बार हमारे साथ। एक अच्छा जोक सुनाता हूँ और उसके बाद कुछ बात करेंगे शायरी वायरी की, अगर कहोगे आप लोग। एक फादर से, एक पोप से ये पूछा गया, फादर व्हाट आर योर हॉबीज? उन्होंने कहा नन। तो चीज़ें कई बार देर से पहुँचती हैं। इसके खिलते ही हर एक संत उजाला होगा, इसके खिलते ही हर एक संत उजाला होगा, ये तबस्सुम है इसे दर्द ने पाला होगा। इसके खिलते ही हर एक संत उजाला होगा, ये तबस्सुम है इसे दर्द ने पाला होगा। जिसने बचपन से ही दौलत का चलन देखा हो, जिसने बचपन से ही दौलत का चलन देखा हो, उसका अंदाज जमाने से निराला होगा। जिसने बचपन से ही दौलत का चलन देखा हो, उसका अंदाज जमाने से निराला होगा। शेर सुनो दोस्तों,
जिसकी रातें हो कटी बर्फ के सहराओं में, जिसकी रातें हो कटी बर्फ के सहराओं में, उसके तलवों में तो ख्वाबों में भी छाला होगा। जिसकी रातें हो कटी बर्फ के सहराओं में, उसके तलवों में तो ख्वाबों में भी छाला होगा। दिव्याक शेर सुन के जाओ। अच्छा, तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ। जिसकी रातें हो कटी बर्फ के सहराओं में, उसके तलवों में तो ख्वाबों में भी छाला होगा। जिसकी हर बात तुझे तीर सी चुभ जाती है। दिव्या सिसोदिया मीरा। जिसकी हर बात तुझे तीर सी चुभ जाती है, वो बहर हाल तेरा चाहने वाला होगा। जिसकी बातें तुझे किक तीर से चुभ जाती हैं, वो बहर हाल तेरा चाहने वाला होगा। जिनको आता है अदब में भी सियासत करना, जिनको आता है अदब में भी सियासत करना, उनके कांधों पे ही रेशम का दुशाला होगा। जिनको आता है अदब में भी सियासत करना, उनके कांधों पे ही रेशम का दुशाला होगा। हमको मौजों से उलझने का हुनर आता है, हमको मौजों से उलझने का हुनर आता है, हमको मझधार ने खुश हो के उछाला होगा। हमको मौजों से उलझने का हुनर आता है, हमको मझधार ने खुश हो के उछाला होगा। बतौर खास शेर सुनो। तू तो इंसान है संदल का कोई पेड़ नहीं, तू तो इंसान है संदल का कोई पेड़ नहीं, तूने किस तौर से सांपों को संभाला होगा। तू तो इंसान है संदल का कोई पेड़ नहीं, तूने किस तौर से सांपों को संभाला होगा। दर्द की सीपियां बिखरी पड़ी है चारों तरफ, दर्द की सीपियां बिखरी पड़ी है चारों तरफ, किसने साहिल को भला ऐसे खंगाला होगा।